गाइस, वेलकम बैक माहिया क्रिएशन। ये रोज़ मैंने बनाए हैं फॉर्म सीड्स से। ये काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और मैंने ढेर सारे बना के रखे हैं, क्योंकि मुझे इसका कुछ नया क्रिएटिव सा बनाना है। वो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है बनाने के बाद में। तो ये मैंने कोई फ्लावर वास में रखने के लिए फ्लावर नहीं बनाया। इसको बनाने के लिए आपको फॉर्म सीड चाहिए, कलर कोई भी इस्तेमाल करो। मैंने रेड नहीं लिया है, मैं पिंक ली हूँ। ये एकदम डार्केस्ट पिंक है, ठीक है। पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। रेड भी काफ़ी अच्छा लगता है, वाइट भी उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। इसको बनाने से पहले अच्छी तरीके से मोड़ लीजिए। किसी भी ब्लैक डार्केस्ट स्केच से आप ड्रॉ कर लो। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं कट कर सकते हो, तो आप पूरी डिज़ाइन ठीक इसी तरीके से कट करो जैसे मैं बता रही हूँ। हार्ड शेप में कट करना है और प्लीज़ बीच बीच में ध्यान देते रहना कि कहीं पर एक भी फॉर्म सीट मुड़ा ना हो, वरना फिर डिज़ाइन का शेप अच्छा नहीं आएगा। फॉर्म पर जो आप ड्राइंग कर रहे हो उसको प्लीज़ फ्री हैंड से ड्रॉ करना, ज़्यादा स्ट्रिक्टली मत करना, वरना फॉर्म सीट फट भी सकता है। इसके बाद आप कैंची से इसको कट कर लीजिए। कट करते टाइम भी ध्यान रखना कि एक भी फॉर्म इधर से उधर ना जाए, वरना सारे फॉर्म सीट की डिज़ाइन इक्वल नहीं आएगी। कट करने के बाद में जो सारे सिरे होंगे इसके लास्ट के, उन्हें अलग मत करना, फिर ये उलझेगा नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं बराबर इसको मोड़ लूँगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मुझे छोटे फ्लावर चाहिए, इसलिए मैंने इक्वल नाप के इसको बीच में से कट कर दिया। ठीक इस तरीके से मेज़र कर लेना अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने बनाया। अगर छोटे फॉर्म सीट पे बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने काफ़ी बड़ा काटा था, आपने देखा था। तो इस तरीके से मैंने इसे, बेकार लग रहा है बट डोंट वरी। उसके बाद आपको बैम्बू स्टिक लेनी है। मैंने यहाँ पे बैम्बू स्टिक का यूज़ किया है, इस वजह से मैं इसे कट कर रही हूँ, पतला कर रही हूँ। अगर आप झाड़ू की सीख यूज़ करते हो, सीख वाली, तो आपको उसे कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका पतला सिरा ही आप यूज़ कर। बैम्बू स्टिक फ्लावर का बेस होगा तभी आपका फ्लावर बनेगा, तो ये मस्ट है। आप झाड़ू की सीख ही यूज़ कर लेना, अगर आपको नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होगा। फेविकोल का यूज़ करना है, प्लीज़ हॉट ग्लू का यूज़ मत करिएगा, फॉर्म सीट ख़राब हो सकती है। उसके बाद इस फ्लावर को लपेटते टाइम ध्यान रखना, जहाँ से आपने कटिंग की थी वहीं से आपको स्टार्ट करना है। लास्ट में आपने जो कट किया था वहाँ से मत स्टार्ट करना। फ्लावर को लपेटते टाइम अगर कोई भी बड़ा सा फॉर्म आता है तो उसको आप अंदर से मोड़ दो, जैसे मैंने मोड़ा है। इससे फ्लावर काफ़ी अच्छा सा लुक देगा, अंदर से फूला फूला होगा, जैसे कि मेरे सारे फ्लावर बने हुए हैं, उतना ही अच्छा बनेगा। बीच बीच में आपको ग्लू यूज़ करना, आपका ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगेगा इसमें। अगर आप 5 रुपये की पाउच लेते हो तो उसमें भी हो ही जाएगा। लास्ट में आपको ग्लू ज़्यादा लगाना है, क्योंकि आपको इसका लास्ट एजेस लॉक करना है जैसा मैंने किया है। तो ठीक इसी तरीके से आप इसको लॉक कर लो। ड्राई होने पर ग्लू नहीं दिखाई देगा, अभी सिर्फ दिख रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये ड्राई नहीं। में आपको इस तरह की लीव्स मिल जाएंगी जो फ्लावर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे इसका यूज़ बताया है कि अगर आपको इसे पॉट में रखना है, किसी फ्लावर वॉज में रखना है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बचे हुए बैम्बू स्टिक को आप ग्रीन कलर के टेप से सिक्योर कर लो। बट मुझे फ्लावर नहीं बनाना है किसी फ्लावर पॉट में रखने के लिए, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। इसके एक्सेस को मैं कट कर लूँ। सारे फ्लावर हैं सेम वैसे बने और मेरे सारे फ्लावर इक्वल बने हुए हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं बना हुआ है। और ये काफ़ी लाइट वेट बना हुआ है, आप किसी भी वॉल हैंगिंग में बनाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लटकन नहीं यूज़ करते, आर्टिफिशियल फ्लावर ही यूज़ करके आप बना लो, काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है ये और काफ़ी अच्छे से बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।